हे फूडीज, वेलकम टू पूजास फूड वर्ल्ड चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ साउथ इंडियन डिश इडली रेसिपी। फ्लफी एंड टेस्टी, चावल और दाल से बनी हुई, बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में, इजी टिप्स, स्टेप्स एंड ट्रिक्स के साथ। आपको मैं बताऊँगी ठंड में बैटर को कैसे फर्मेंट करना है, उसे फुलाने के ट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। यू विल गेट गुड रेसिपीज इन वेरी सिंपल एंड ईजी वे। यहाँ पर मैंने लिया है 4 बड़े ग्लास मोटे चावल, खीर के चावल भी ले सकते हैं आप, खिचड़ी के चावल बोल के भी आप मार्केट से ले सकते हैं। तो ये चावल इडली के लिए बहुत काम आते हैं, इससे इडली बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए मोटे चावल हैं ये, और सस्ते भी मिलते हैं, आपको इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगे। एक ग्लास बड़े, वही ग्लास मैंने मेजर लिया है उड़द की धुली हुई दाल, ये देखिए इतना बड़ा ग्लास है। 4 ग्लास चावल तो 1 ग्लास धुली हुई उड़द दाल। मैंने इनको अच्छे से धोकर चावलों को पानी में भिगो दिया है दिन में 7 से 8 घंटे के लिए। उसमें मैंने 1 बड़े चम्मच मेथी दाना डाल दिया है। ये मैंने दाल को भी धोकर भिगोने के लिए रख दिया है, अब मैं इसमें पानी डाल के रख देंगे, ओवरनाइट भिगो देंगे, या फिर आप दिन में भिगोते हैं तो 8 घंटे के लिए भिगो के रखें, फिर इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम पीसने के लिए ताकि इजीली पीस जाए। ये देखिए पीस चुका है, पेस्ट ऐसा बनना है बिल्कुल चिकना। ये मैंने पहले चावल पीसे हैं, मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है सारे पेस्ट को, दाल भी मैंने पीस ली थी, इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें नमक डालकर इसको अच्छे से फेंट लूँगी। ये देखिए इतना गाढ़ा पेस्ट बन चुका है इसका, हमें ज़्यादा पानी नहीं लेना है पीसते वक्त चावलों में, हमें पतला नहीं बनाना है क्योंकि हमें इडली का बैटर बनाना है। तो इसको फ्लफ़ी बैटर बनाएंगे, जैसे देखिए इतना गाढ़ा हो गया है। दाल को थोड़ा दरदरा पीसेंगे हम, ज़्यादा महीन पेस्ट नहीं बनाएंगे। ये देखिए पेस्ट आपको पास से दिखा रहे हैं हम, बहुत अच्छा पेस्ट बना है। इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे। अगर ठंड है तो ठंड में आप इसको गर्म पानी में भिगोने को रख देंगे थोड़ी देर, तेज गर्म पानी में, और फिर उसको निकाल के एक कंबल में ढककर रख देंगे, उसका बैटर फिर फूल जाएगा सुबह तक। अगर तब भी नहीं फूलता है तो आप उसमें 1 पाउच इनो का डाल दें, तो देखिए क्या कमाल की इडली बनती है। आप ज़रूर बना कर देखिएगा, ऐसे ठंड में बहुत मुश्किल होता है बैटर को फ्लफी बनाना, फर्मेंट करना, क्योंकि चावल ठंडे होते हैं तो उनकी गर्म कर उनको फर्मेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ठंड में। गर्मियों में तो इजी होता है, वो इजीली अपने आप फूल कर बाहर आ जाता है भिगोने से। तो ज़रूर आप ये ट्रिक्स अपनाइएगा।
ये देखिए इडली का बैटर फूल गया है मेरा, ओवरनाइट मैंने रख दिया था, बहुत अच्छा फर्मेंट हुआ है। इसको हम चलाएंगे, अच्छे से फेंटेंगे, इसके एयर बबल्स निकालेंगे हम फेंट कर। ये देखिए एयर बबल्स निकालने के बाद थोड़ा सा ये नीचे बैठ जाता है। अब हम एक बर्तन में थोड़ा सा निकाल कर इसे यूज़ करेंगे, इसको चलाएंगे थोड़ा। मैंने इडली के बर्तन में ऑयलिंग कर ली है और इसके जो कुकर है उसमें मैंने पानी थोड़ा सा डालकर नींबू, यूज्ड किया हुआ नींबू डाल दिया है ताकि बर्तन काला ना हो। ये देखिए हम रख देंगे, 5 मिनट बाद देखेंगे हम, इडली बन गई है। ये देखिए अगर इसमें आपका मॉइस्चर आ जाता है तो आप सबसे नीचे वाले बर्तन में जो प्लेट होती है सबसे नीचे वाली उसको खाली रखेंगे तो ये मॉइस्चर नहीं आएगा। आप ट्राई कीजिएगा इसे। ये देखिए हमारी इडली बनकर तैयार हो चुकी है सांभर और चटनी के साथ, नारियल की चटनी के साथ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।